त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में संपन्न हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली विभाग के रामनगरी अयोध्या के साथ ही शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों पर मोहर लगी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। यूपी कैबिनेट के अहम फैसले, 16 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। इको टूरिज्म बोर्ड के गठन को मंजूरी। डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति को मंजूरी। कुकरेल नाइट सफारी को भी मंजूरी। मौजूदा जू कुकरेल में स्थानांतरित होगा। रोजा व व्रत में खजूर और फल मिलेंगे। काला पानी की व्यवस्था खत्म। लॉकअप की भी व्यवस्था खत्म। लोक भवन में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में आबकारी, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत कई विभागों के 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिफेंस कॉरिडोर की नई नीति को मंजूरी मिली, साथ ही लखनऊ के कुकरेल नाइट सफारी के लिए भी मंजूरी मिल गई है। हमारे ऊर्जा विभाग के जो 3 निगम थे, कॉर्पोरेशन कंपनियां, उन तीनों को मर्ज करके हम एक बनाएंगे। उनमें पहली है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसकी रचना 1980 में हुई थी। आप जानते हैं कि इस समय उत्पादन की दृष्टि से वही सबसे बड़ी हमारी कंपनी है। दूसरी कंपनी हमारी है जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसकी रजिस्ट्रेशन 2009 में हुआ था, और 2015 से ये कंपनी, जो पहली कंपनी मैंने बताया उत्पादन निगम लिमिटेड, उसकी सब्सिडियरी के रूप में काम करती है। तीसरी कंपनी है उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसकी रचना 1985 में हुई थी और बाद में 1996 में इसका नाम बदला गया। तो इन तीनों को हम लोगों ने ये पाया कि एक अच्छे प्रशासन या गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम होगा कि हम तीनों को एक कर दिया जाए। बैठक में ऊर्जा विभाग में बेहतर समन्वय के लिए राज्य विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड, जवाहर विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड और जल विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करने का निर्णय लिया गया है। जल विद्युत के अधिकांश प्रोजेक्ट उत्तराखंड चले गए, बाकी तापीय में शामिल हो गए, इसलिए इनका विलय किया जा रहा है। विलय के बाद इसका पूरा नाम यूपी विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड होगा। पर्यटन विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आयुष विभाग, ग्राम विकास विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, खेल विभाग, परिवहन विभाग, कुल मिला के 10 विभागों को समन्वित रूप से सम्मिलित करते हुए इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करने का निर्णय माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। बहरहाल सरकार लगातार जनता के लिए बेहतर काम करने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के इन कैबिनेट फैसलों के बाद किस क्षेत्र में कितना बदलाव दिखता है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं लखनऊ से।